नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली खबर निकल कर आ रही है वह है ग्रुप डी परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। तो यहाँ पर बात की जा रही है रेलवे ग्रुप डी की। तो देख लेते हैं यहाँ पर पूरी खबर क्या है। रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हजारों छात्र संशोधन का एक मौका देने की मांग कर रहे हैं। देश भर से 125 करोड़ प्रतियोगी छात्रों ने पिछले साल रेलवे के विभिन्न जोनों में 1 लाख से अधिक पदों के लिए ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे। इसमें लगभग 4.5 लाख फॉर्म फोटो मिलान न होने पर निरस्त कर दिए गए हैं। प्रयागराज से 35,000 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले प्रयागराज के राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल अगस्त में आवेदन फॉर्म निरस्त किए गए। उस समय प्रतियोगी छात्रों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया तो फॉर्म की जांच हुई। जांच में 40,000 फॉर्म RRB की कंप्यूटर गड़बड़ी से रिजेक्ट पाए गए, उनको ठीक कर दिया गया। बाकी निरस्त फॉर्मों पर कोई विचार नहीं हुआ। परीक्षा में एक और आवेदक प्रशांत ने बताया कि अन्य परीक्षाओं में वही फोटो इस्तेमाल हुई जो रेलवे की ग्रुप डी के फॉर्म में लगी। RRB ने गलत फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अन्य छात्रों का भी कहना है कि 2018 में भी इसी तरह की गड़बड़ी होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने संशोधन का मौका दिया था। इस बार भर्ती बोर्ड संशोधन का मौका देना नहीं चाहता। RRB इलाहाबाद के चेयरमैन RH माली का कहना है कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सीधे नोडल एजेंसी को ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ न्यूज़ थी। यहाँ पर ग्रुप डी के जो फॉर्म भरे गए थे इसमें से कुछ लोगों के फॉर्म जो कि रिजेक्ट हुए हैं, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनका दोबारा संशोधन करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर पहली खबर। देख लेते हैं अगली हमारे पर क्या खबर निकल कर आ रही है। तो नेक्स्ट हमारी दोस्तों यहाँ पर खबर है UP SSC से लेकर कनिष्ठ सहायक भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग में याचिका। राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब प्रयागराज। यहाँ पर देख लेते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2016 की 5,288 कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती में खाली पदों की कैरी फॉरवर्ड करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवरिया के अमित कुमार पांडे व 3 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर याचिका के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि आयोग ने प्रदेश के 71 जिलों के 5,288 कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 13 अक्टूबर 2018 को चयन परिणाम घोषित किया गया। कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई। चयनित अभ्यर्थियों में से होमगार्ड व शारीरिक रूप से क्षम कोटे के पद खाली रह गए जिन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, वह जबकि प्रतीक्षा सूची न होने और कट ऑफ मेरिट के नीचे व समान अंक पाने वाले याचिकों को चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर यह याचिका दाखिल की गई है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर खबर UP SSC न्यूज़ से संबंधित। अब देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर खबरें। यहाँ पर 69,000 बात कर रहे हैं हम, 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर इसकी सुनवाई की बात की जा रही है कि आवेदन फार्म की त्रुटियों पर सुनवाई 3 सितंबर को। तो जो आवेदन फार्म में त्रुटियाँ हुई उन पर जो सुनवाई है वो 3 सितंबर को यहाँ पर होने वाली है। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए, इसके बाद नियुक्ति के लिए उनसे दोबारा पूरे ब्यौरे के साथ आवेदन मांगा गया। जबकि होना यह चाहिए कि नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती के प्राप्तांक और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए, क्योंकि 15 मार्च 2018 को हुए 22वें संशोधन में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन लिए जाएंगे जो सहायक अध्यापक पद की अर्हता रखते हैं। अधिवक्ता का कहना था कि अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए हैं, दोबारा आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हाँ, एक और यहाँ पर खबर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये खबर है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से, और इसमें कुछ भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो देख लेते हैं वो कौन सी भर्ती हैं। तो ये भर्ती हैं बैकलॉग की, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 33 वैकेंसीज निकली हुई हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु समूह गा के अंतर्गत सहायक लेखाकार की जो ये भर्तियाँ हैं, जो कि 33 बैकलॉग पद हैं, ये निकली हुई हैं यहाँ पर। और इसके लिए आपके यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है। रिक्त पदों पर प्रतियोगितात्मक परीक्षा CBT के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। अन्य वितरण हेतु विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर इसकी साइट पर ये जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।